उसे हमको बिछड़े हुए। एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज हूबहू लता मंगेशकर जैसी थी। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनको तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। जो पहली बार इनकी आवाज हिंदी सिनेमा में गूंजी तो सुनने वाले स्तब्ध रह गए। आज कल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है। इनके सुर ताल लय इतने बेहतरीन थे कि जादू सा असर होता था और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी इस परफेक्ट सिंगिंग की वजह से ही उस दौर की दिग्गज गायिकाओं का सिंहासन डोलने लगा और फिर जो हुआ वो काफी बुरा था। अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी पुकारे चले। क्या आपको पता है कि इनकी मीठी सुरीली आवाज ही इनके लिए मुसीबत बन गई। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजर। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनको इनकी प्रतिभा और बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही कुछ बड़ी गायिकाओं की साजिशों का शिकार होना पड़ा और थक हार कर इन्हें आखिरकार गाना छोड़ना पड़ा। तो कौन थी ये गायिका जो बेरहम बॉलीवुड की साजिशों का शिकार हुई और जिस फनकार की काबिलियत को मानने के बावजूद हिंद सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर्स एक डर की वजह से इन्हें काम देने से कतराते रहे। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी सिंगर सुमन कल्याणपुर की, जिनके नसीब ने कभी तो खूब साथ दिया तो कभी साजिश के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर। सुमन कल्याणपुर का जन्म 1937 में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका कला और संगीत के प्रति विशेष रुझान था। बचपन की परवरिश के दौरान ही सुमन भी संगीत में काफी दिलचस्पी लेने लगी। हालांकि संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर परिवार की पाबंदियां भी थीं। ये पिता सेंट्रल बैंक में बड़े बाबू शंकर राव हिमाड़ी की 6 संतानों में सबसे बड़ी थीं। नौकरी के सिलसिले में लंबे समय तक ढाका में रहने के बाद बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शंकर बाबू ने 1942 में अपना तबादला मुंबई करा लिया। यहाँ सुमन की पढ़ाई सेंट कोलंबिया में होने लगी। ये पेंटर बनना चाहती थी, लिहाजा इन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया। 15 साल की उम्र तक इन्होंने एक भी हिंदी फिल्म नहीं देखी थी। हाँ, ये शौकिया तौर पर गाती जरूर थीं। नूरजहां की आवाज में इनकी खास तौर पर दिलचस्पी थी। के प्यार हर किसी से सुमन की आवाज तो हीरे जैसी थी ही, इनके पड़ोसी और पिता के मित्र केशव राव फूले ने इस हीरे की परख भी कर ली। इनके कहने पर सुमन ने शौकिया तौर पर गाना सीखना शुरू किया। जैसे जैसे रियाज करती गईं, इनकी आवाज निखरती गई। इसके बाद इन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान, गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की तालीम ली। गुरु केशव राव भोले ने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो में इन्हें गाने का मौका दिया। परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन मना नहीं कर पाई और पहली बार उनकी आवाज ने दर्शकों के कानों पर दस्तक दी। साल भर बाद इन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में एक गाने का ऑफर मिला। फिल्म रिलीज हुई और डायरेक्टर शेख मुख्तार ने देखी। उनके जहन में सुमन की सुरीली आवाज ने जगह बना ली। उन्होंने सुमन को अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने का मौका दिया। फिल्म में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे, लेकिन बाद में उनकी जगह ओपी नैयर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। सुमन ने फिल्म में 3 गाने गाए, लेकिन नैयर साहब ने उनके सिर्फ एक लोरी को ही फिल्म में शामिल किया।
इस तरह सुमन कल्याणपुर का हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर का सफर शुरू हो गया। यही एकमात्र गीत है जो उन्होंने ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया। इसके बाद तलत महमूद जैसे फनकार के साथ इन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में जुगलबंदी की फिल्म दरवाजा में। एक दिल दो है तलब गाबड़ी। दरवाजा फिल्म में तलत महमूद जैसे गायक के साथ इनकी इस जुगलबंदी ने इनकी पहचान मजबूत कर दी और फिल्मों में इसी गाने से सिलसिला शुरू हो गया। सुमन हेमाड़ी 1958 में एक तरफ हिंदी सिनेमा में पांव जमा रही थीं, तो उसी दौरान मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से इनकी शादी हो गई। शादी के बाद ये सुमन हेमाड़ी से सुमन कल्याणपुर हो गईं। मोहे अपना बना के गया फूल रे परदेसी बालम। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती थी कि लोग धोखा खा जाते और इनके और लता के गाए गीतों में फर्क कर पाना मुश्किल होता। ऐसे में ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इसका खूब फायदा उठाया जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिल पाती थी। सबका दिल बहलाना है, करके कुछ दिखलाना। 1959 में आई फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों को एक साथ एक ही गाने में पेश किया गया। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी आवाज सुमन कल्याणपुर की है और कौन सी लता मंगेशकर की। नशे में हम, नशे में तुम, क्या खबर दिल की धर। सुमन कल्याणपुर की आवाज का यही सुरीलापन ही इनके रास्ते का रोड़ा भी बन गया। एक तरफ सुरीली आवाज के लिए लता मंगेशकर को खूब काम मिलता तो वहीं सुमन कल्याणपुर को संगीतकार इसलिए कम मौका देते कि इनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी और संगीतकार उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। अब तो आंख लड़ चुकी, बात बढ़ चुकी, अब तो पास आइए। सुमन कल्याणपुर की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टारडम के आगे बेहद टैलेंटेड सुमन कल्याणपुर को हमेशा दूसरी कतार में ही खड़ा होना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, बेहद सुरीली और ओरिजिनल आवाज होने के बावजूद सुमन कल्याणपुर की तुलना हमेशा लता मंगेशकर से ही की जाती थी। दोनों की आवाज करीब करीब एक जैसी थी लेकिन लता जी को जो नाम और शोहरत मिली सुमन कल्याणपुर को हमेशा उसके पीछे चलने को ही मजबूर होना पड़ा। ये सुमन कल्याणपुर की बदकिस्मती ही थी कि रेडियो और टीवी पर जब ये गीत प्रसारित होते तब भी अक्सर सुमन कल्याणपुर के गाए गानों को गलती से लता मंगेशकर का नाम दे दिया जाता। लेकिन फिर भी बेरहम फिल्मी दुनिया ने इन्हें वो मुकाम वो ऊंचाई कभी नहीं दी जो लता जी को हासिल हुई। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का। मुश्किल से मुश्किल गीत भी सुमन बेहद सरलता से गा लेती थी। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मेल खाती कि प्रोड्यूसर इनसे लता जी के जैसे गाने की ही उम्मीद करते थे। उन दिनों लता जी एक एक गाने के लिए काफी बड़ी रकम लिया करती थीं। कई प्रोड्यूसर्स तो उनकी आवाज का इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के लिए भी करते। इसी दौर में फिल्म सांझ और सवेरा का अजहू न आए बालमा सावन बीता जाए, फिल्म बेटी बेटे का अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, इनमें सुमन कल्याणपुर की आवाज को बेहद पसंद किया गया। अगर
कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने कई प्रोड्यूसर्स को ये कह भी दिया कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। एक बार मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच विवाद खड़ा हो गया और दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गईं कि दोनों ने एक साथ गाना बंद कर दिया। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसी आवाज की तलाश में जुट गए जो रफी साहब के साथ जुगलबंदी करने के काबिल हो। जाहिर है फिर सुमन कल्याणपुर को कुछ साल गाने के मौके मिल गए। फिर उनकी और रफी साहब की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि दोनों के साथ गाए लगभग सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि रफी साहब के साथ आवाज लता मंगेशकर की है या सुमन कल्याणपुर की। किस्मत की मार और वक्त के सितम देखिए कि फिर रफी साहब और लता मंगेशकर का वो विवाद सुलझ गया और पुरानी स्थिति फिर से बहाल हो गई। तुम ही दिल से चाहा, तुम ही दिल दिया है ये वादा। 1965 में फिल्म आई गजल। फिल्म के सभी गीत लोगों ने बेहद पसंद किए। फिल्म में गाना था उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और रिलीज भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया और फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज हटा दी गई। कहा जाता है कि उस दौर की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को पचा नहीं सकी और उनके खिलाफ साजिशों के दौर इसी तरह चलते रहे। मेरे महबूब, सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से ज्यादा गीत गाए। इसके अलावा उन्होंने मराठी में भी सैकड़ों गाने गाए और बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी में भी इनके गीतों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इन्हें हमेशा ही लता मंगेशकर की डुप्लीकेट आवाज के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। हो पहला पहला प्यार है ये, पहला पहला प्यार, पहला। एक बार HMV ने उस दौर के 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट रिलीज किए। इनमें सुमन कल्याणपुर के सर्वाधिक 7 गानों को शामिल किया गया था। गायकों के चित्र इन कैसेट्स के कवर पर प्रिंट किए गए, लेकिन सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा गाने कैसेट में होने के बावजूद इनका चित्र नहीं छापा गया। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने। इन्होंने अपने दौर के मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद और हेमंत कुमार जैसे मजे हुए फनकारों के साथ जुगलबंदी की, जिसे खूब सराहा भी गया और ये गाने हिट भी रहे। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने। उस दौर में एक दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर ने लगभग 170 फिल्मों में गीत गाए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों। ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर तो आज भी खूब गाया जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है। ऐसे सुपरहिट गीतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक एपिसोड में इन्हें शामिल करना मुमकिन नहीं है। रहे न रहे हम, दिल एक मंदिर है, तुमने पुकारा और हम चले आए, होश में आ लूं तो चले जाइएगा, और ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे जैसे गाने इनकी गायकी के लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें आज भी लोग बड़े शौक से गुनगुनाते हैं। ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। इनकी आवाज की कशिश का कमाल ही था कि इनका गाया शायद ही कोई गीत ऐसा हो जो हिंदी सिनेमा के चाहने वालों की जुबान पर न चढ़ा हो। बेहद सहज और सरल स्वभाव वाली सुमन कल्याणपुर चुपचाप बेरहम हिंदी सिनेमा जगत के जुल्म सहती रहीं और उफ तक नहीं किया। न मानूं तो कोई शिकायत नहीं, मगर ये
एक बार तो दूरदर्शन के लोकप्रिय छाया गीत कार्यक्रम में नना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे का प्रसारण हुआ और शो के होस्ट ने इनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज बता दिया। इसके लिए इनकी बेटी चारुल कल्याणपुर को आपत्ति भी जतानी पड़ी। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। कहा जाता है कि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स पर कई तरह से दबाव बनाया जाता था कि ये सुमन कल्याणपुर को मौका न दें। डायरेक्टर्स भी स्थापित गायिकाओं की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते थे और सुमन कल्याणपुर से किनारा करने लगे थे। इनके गाए गीतों की न जाने कितनी दास्तां हैं, जिन्हें दुनिया शायद ही कभी जान पाए। 1979 में आई फिल्म दादा के इस गीत में सुमन कल्याणपुर की आवाज को सुनने वाले बेहद भावुक हो उठते हैं। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना। हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे इनके खिलाफ साजिशों के खूब दौर चले। बॉलीवुड में इनके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, इन्हें गिने चुने मौके ही मिल रहे थे। 1980 आते आते इनका मन हिंदी सिनेमा और प्लेबैक सिंगिंग से उबने लगा और धीरे धीरे इन्होंने सिनेमा से किनारा कर लिया। हिंदी सिनेमा में इनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गईं कि इनकी जिंदगी एक इम्तिहान बन गई। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से ये मुकाबला करती रहीं। ये बिना उफ किए संघर्ष भी करती रहीं, लेकिन आखिरकार इन्होंने नसीब फिल्म के जिंदगी इम्तिहान लेती है गीत के बाद हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा में जहां आवाज को ही पहचान कहा जाता है, वहां लता मंगेशकर की आवाज के पीछे सुमन कल्याणपुर की आवाज तो क्या पूरी शख्सियत ही छिप गई। यही वजह रही कि तमाम म्यूजिक अवार्ड्स और म्यूजिक शोज की नजर भी इन पर कभी नहीं पड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया। इससे पहले भी फिल्म चलेजा 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 जहां प्यार मिले के लिए भी इन्हें एक बार फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। 1970 के आगे गुजरात सरकार ने इन्हें लगातार 4 साल सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। इसके अलावा सुर सिंगार संसद की ओर से इन्हें 3 बार सम्मानित किया गया। 1961 में इन्हें रस रंग फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद 1964-65 और 1965-66 में भी मराठी गीतों के लिए सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह पंजाबी और भोजपुरी गीतों के लिए भी बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड इन्हें मिला। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सुमन कल्याणपुर के बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो वो भी लिखकर बताना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और कंटेंट के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों ड्रामा सीरीज इंडियन, वो पुराने दिन और बेबाक बॉलीवुड को भी देख सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।